नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ टमाटो ग्रेवी। तो टमाटर एक परफेक्ट ग्रेवी आप कैसे बनाओगे, वो भी घर पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे कैसे आसान तरीके से टमाटर ग्रेवी तैयार कर सकते हो और उससे आपका काफ़ी सारे आइटम बना सकते हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलो मैं करता हूँ रेसिपी बनाने के लिए। मैंने लिया है 150 ग्राम टमाटर, तो इसको मैं डाल देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, टमाटर बिल्कुल लाल होने चाहिए, कच्चे टमाटर ना हो। उसके बाद मैं डाल देता हूँ लहसुन 8 से 10 पीस और 3 हरी मिर्ची और 1 प्याज। उसके बाद जो है इसमें कर देंगे पानी ऐड। उसके बाद डालेंगे कश्मीरी मिर्च, एक टीस्पून। और 1/4 टीस्पून डाल देंगे चीनी। और 1/4 टीस्पून डाल देंगे नमक। और 1 टेबल स्पून डाल देंगे सरसों का तेल। और आप इसमें अदरक और धनिया की जड़ भी डाल सकते हो। और इससे क्या है, कश्मीरी मिर्च और सरसों के तेल से जो है कलर काफ़ी अच्छा आता है ग्रेवी का। तो आप इसमें इसको हम कर देंगे 10 मिनट के लिए बॉयल। तो 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। तो अब हमें जो है इसको पीसना है। अब आप कलर भी देखो, टमाटर ग्रेवी का काफ़ी अच्छा आ चुका है। अगर आप इसमें हरे टमाटर यूज करेंगे तो इस प्रकार से कलर नहीं आएगा ग्रेवी का, और खाने में भी जो है बेकार होगी। तो बहुत सारे लोग क्या है कि यहीं पे जो है बहुत सारे मसाले ऐड कर देते हैं, जिससे टमाटर ग्रेवी का जो है टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मेरी मानो तो इसमें जो है नमक और चीनी और मिर्ची के सिवा कुछ भी मसाले ना डालें, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग से जैसे आप कोई भी सब्ज़ी इससे बनाते हो तो वहाँ मसाले ऐड करें, ना कि टमाटर ग्रेवी के ऊपर। तो ये देखो, इसको हम थोड़ा ठंडा होने के बाद पीस देंगे, सबसे मार देंगे तड़के। तड़के के लिए हमें डालना पड़ेगा 3 स्पून तेल, 1/4 टीस्पून तेज पत्ते, 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 1/4
भुनेंगे। उसके बाद हल्का सा इसमें जो है आ जाए तो हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से तो बढ़िया से चलाते रहेंगे जब तक थोड़ा कच्चापन खत्म ना हो जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च। इससे जो है कलर काफ़ी अच्छा आएगा ग्रेवी का, तो हम इसको भी चला लेंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने ग्रेवी सीखी थी टमाटर की, ये वाली हम ऐड कर देंगे। और
इसको थोड़ी देर पकने देंगे। अब हम इसमें जो है हाफ टी स्पून कर देंगे नमक ऐड। नमक ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, जब तक ग्रेवी झाग नहीं छोड़ना बंद कर देती। तो इसको बढ़िया से पका के हम इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये देखो दोस्तों, इसमें कोई भी जो है अब हमें झाग नज़र नहीं आ रहा है, ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हम अब गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और टमाटर की ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, परफेक्ट। तो बंद, गैस को कर दिया बंद और हल्का सा इसमें डालेंगे ऑयल, जिससे जो है ग्रेवी की सैनिंग काफ़ी अच्छी रहती है। अब हम इसको कर देंगे बिल्कुल बन, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी ये रेसिपी? अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साइड में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही, एक बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।